महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर 2024 में होना है। इसको लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गया है। इस बीच प्रदेश में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए महायुति सरकार ने लाडली बहना और लाडला भाई योजना को लेकर आई है। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे के मुताबिक अब जब महायुति सरकार को पता चल गया है कि उनकी सरकार सत्ता में नहीं आने वाली है तो वे लाडली बहना और लाडला भाई योजना लेकर आ रहे हैं। इस योजना के तहत वे हर महिला को 1500 रुपए देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर 2024 में होना है। इसको लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गया है। इस बीच प्रदेश में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए महायुति सरकार ने लाडली बहना और लाडला भाई योजना को लेकर आई है। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे के मुताबिक अब जब महायुति सरकार को पता चल गया है कि उनकी सरकार सत्ता में नहीं आने वाली है तो वे लाडली बहना और लाडला भाई योजना लेकर आ रहे हैं। इस योजना के तहत वे हर महिला को 1500 रुपए देंगे।